हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय सेल्फ स्वाति। गाइज, आज मैं आपको सीक्रेट हेयर ग्रोथ रेमेडी दूंगी, जिसको यूज करने के बाद आपके बाल सिल्की एंड शाइनी हो जाएंगे। गाइज, सबसे ज्यादा ये जो रेमेडी है बालों को स्ट्रेट करने में हेल्प करती है। जिनके बाल बहुत ज्यादा फ्रीजी हैं या उनके बाल कर्ली हैं, तो उनके लिए ये रेमेडी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है। सो गाइज, ये रेमेडी मैंने भी काफी टाइम से मैं इसको यूज कर रही हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा यूजफुल लगी। तो मुझे लगता है कि मुझे भी ये रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं इस रेमेडी को कैसे बनाते हैं। गाइस, जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या लाइक और शेयर नहीं किया है, तो प्लीज जाके लाइक और शेयर कीजिए। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें 3 इंग्रेडिएंट्स की नीड होगी, बनाना, मस्टर्ड ऑयल एंड कर्ड। चलिए गाइस, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इन 3 इंग्रेडिएंट को यूज करने के बाद ये आपके बालों पे कैसे वर्क करता है। वैसे तो सब जानते हैं बनाना हमारी हेयर और हेल्थ के लिए कितना जरूरी है। बनाना हमारे बाल के रूट को मॉइस्चराइजर करता है और साथ में कंडीशनर का भी काम करता है। अगर आपके बाल दो मुही होते हैं तो उनको ख़त्म भी करता है, बालों को सॉफ्ट एंड शाइन बनाता है और बालों को लॉन्ग करने में भी हेल्प करता है। अब बात करते हैं मस्टर्ड ऑयल की। मस्टर्ड ऑयल में एक फैटी एसिड होता है जो बालों को नमी देता है और बालों के रूखेपन को भी दूर करता है। सरसों के तेल से मसाज करने से स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन भी सही रहता है और बाल जड़ से मजबूत होते हैं। यू नो गाइस, दही के बारे में मैं आपको क्या बताऊँ। सब लोग जानते ही होंगे कि दही हमारे बालों के लिए कितना अच्छा होता है। दही लगाने से बालों का गिरना बंद हो जाता है और बालों को मजबूत और हेल्दी बनाता है। डैंड्रफ की परेशानी भी दूर करता है और साथ ही साथ ये कंडीशनर का भी काम करता है। अब देखते हैं कि इस रेमेडी को हमें कैसे बनाना है। गाइस, मैंने यहाँ पर एक बोल लिया है और उसमें केलों को पील ऑफ करके उसको फोक की हेल्प से उसको मैश कर लिया है। आप चाहे तो मिक्सी का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से मैश करने के बाद इसमें अब आपको 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल ऐड करना है। ऑयल ऐड करने के बाद गाइस, अब इसमें आपको 2 चम्मच कर्ड ऐड करना है। इसको आप अच्छे से मिला लीजिए और एक अच्छे से बैटर तैयार कर लीजिए। अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा फ्रीजी हैं तो ये मास्क आपके बालों को मॉइस्चराइज करने में हेल्प करेगा। यह मास्क ना सिर्फ आपके बालों को हाइड्रेट करने में मदद करता है, बल्कि ज़रूरी पोषक तत्व भी देता है और बालों की ग्रोथ को भी अच्छा करता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको ये कैसे अप्लाई करना है। अपने बालों का पार्टीशन करने के बाद मास्क को एक कॉटन बॉल की हेल्प से पूरे हेड पर अप्लाई करें और इस मास्क को रूट से लेकर बालों के एंड तक लगाएं। इस मास्क को मंथ में 4 से 5 बार लगाना है और बिलीव मी, आफ्टर 1 मंथ बाद आप अपने बालों को देखेंगे कि ये कितने अच्छे हो गए। वैसे तो ये मास्क एक बार के यूज़ में ही आपको अच्छा रिजल्ट देगा और अच्छा रिजल्ट गेट करने के लिए गाइस, आपको ये कम से कम 4 बार यूज करना पड़ेगा, तभी आपके बाल और ज़्यादा अच्छे होंगे। अब आप बालों का जूड़ा बना लें और इस मास्क को 1 घंटे तक रखें। उसके बाद शैम्पू से हेयर वॉश कर लें। गाइस, हेयर वॉश के बाद आपको बालों को मोटे कॉम से ही यूज़ करना है। आफ्टर वॉशिंग आप गाइस यहाँ देख सकते हैं मेरे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं और ये मास्क मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे लगा कि ये मास्क मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। गाइस, इस मास्क को आप यूज़ करके देखिए, एक बार मेरे कहने से यूज़ करिए और इसके रिज़ल्ट आप देख सकते हैं मेरे बालों पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करना ना भूलें। बाय बाय।